सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखें। क्या आपके साथ कभी ऑनलाइन स्कैम हुआ है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट का जहां पर आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्रॉड से बच सकें। तो हम में से बहुत से लोगों ने चीज माल का नाम सुना होगा, CHEEZMALL.com। तो ये भी पाकिस्तान में जो है वेबसाइट लॉन्च हुए, तो ये करते क्या है कि ऑनलाइन काफी चीजें सेल कर रहे हैं, जैसे दराज सेल कर रही है, बट इनकी अभी काफी सारी एडवर्टाइजमेंट आपको भी देखने में सामने है। अगर नहीं है तो आप भी जाएं इनका वेबसाइट चेक करें, मगर यहाँ से कुछ भी परचेज मत कीजिए। उसकी वजह यह कि मैं आज आपको ऐसे दो चीजों को बताऊंगा जिनका मेरे पास प्रूफ है और ये आपके साथ भी स्कैम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप में से जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा मैंने रिसेंटली इन्फिनिक्स नोट 5 की जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाए थे, उसका लिंक ऊपर आ रहा है। तो इस वेबसाइट पे ये इन्फिनिक्स नोट 5 जो है वो सेल कर रहे हैं 4GB 64GB वाला वेरियंट। तो एक्चुअली इनकी प्राइस कितनी है इस वेबसाइट पे और जो ऑफिशियल प्राइस है उनके दरमियान इतना डिफरेंस है कि डिस्काउंट देने के बाद भी आप उनको एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं। अगर आप चीज माल की वेबसाइट पे देखें तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने इसकी प्राइस जो है 30,000 रखी थी और उसके बाद 3% ऑफ करने के बाद इन्होंने इसकी प्राइस जो है वो 29,000 कर दी है। और अगर आप यूनियन पे से पे करते हैं तो आपको 27,000 और ऑलमोस्ट 500 रुपीज पे करना पड़ते हैं। मगर आपको पता है क्या कि इन्फिनिक्स नोट 5 की एक्चुअल प्राइस क्या है? वो प्राइस जो कि कंपनी ने दी थी या कंपनी ने जहां पर ऑफिशियली अपना मोबाइल जो है वो सेल के लिए प्रेजेंट किया है यानी कि गो टू पे, वहां पे उसकी प्राइस क्या है? तो एक्चुअली में ये जो मोबाइल फोन है ये 26,000 में लॉन्च हुआ। अगर आप गो टू पे जाएं तो आपको ये 25,760 रुपीज में देखने को मिलेगा। और अगर आप इन्फिनिक्स मॉल की वेबसाइट पे जाएं infinixmall.pk जो कि एक ऑफिशियल स्टोर है इन्फिनिक्स का, वहां पे भी आपको 26,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात यह है कि चीज मॉल वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये आपको इन्फिनिक्स के मोबाइल फोन जो है वो इतने महंगे बेच रहे हैं। और सेकंड ये कि आप देखेंगे ये पिक्चर जो है ये इन्फिनिक्स नोट 5 की पिक्चर लगती है नहीं, ये कोई और चाइनीज फेक वेरियंट है जो कि ये सेल कर रहे हैं इन्फिनिक्स के नाम पे। अब मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है कि ये आपको इन्फिनिक्स नोट 5 भी देंगे या कुछ चाइनीज मोबाइल देंगे, बस इतना कंफर्म है कि ये आपको जो इन्फिनिक्स मोबाइल देंगे वो कॉस्टली होगा। इवन कि आपके सिंपल डिस्काउंट के बाद भी जब आप एडवांस पेमेंट कर देंगे यूनियन पे से, तब भी आपको जो मोबाइल फोन है वो ऑलमोस्ट 2,000 महंगा पड़ेगा। अब चूंकि बात नोट 5 की चल रही है तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने रेडमी नोट 5 प्रो भी परचेज किया था और इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो रिव्यू बेसिक रिव्यू वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था। तो मैंने ये मोबाइल फोन भी इस वेबसाइट पे चेक किया तो मुझे जो प्राइस देखने को मिली इस वेबसाइट पे वो है 31,000 और साथ में इन्होंने 6% डिस्काउंट करने के बाद आपको ये दे रहे हैं 29,000 में और ये भी 3GB 32GB वेरिएंट है यार। और जबकि मेरे पास Redmi Note 5 जो कि 4GB 64GB वेरिएंट है वो मैंने परचेज किया और उसकी मैं स्लिप आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि Xiaomi का जो Redmi Note 5 Pro है 4GB 64GB ये इसकी स्लिप है मेरे पास और ये 30,000 की मुझे स्लिप मिली है, मगर मैंने इसके लिए 29,000 पे किया था। जी हाँ, मगर इस वेबसाइट के पे आपको ये मोबाइल फोन जो है वो 3GB वेरिएंट वाला 29,000 में मिल रहा है। यार ये क्या कर रहे हैं चीज माल वाले, यार कुछ तो खौफ करो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह के बंदो ऊपर भी जाना है आपने, कम से कम ऑफिशियल प्राइस पे तो जाके चीजें सेल कर दो, इवन के डिस्काउंट शो करने के बाद भी ऑफिशियल प्राइस पे सेल करना शुरू कर दो। तो देखें यार ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे उम्मीद है कि चीज माल वाले जरा अपने आप को कुछ सेटअप सही कर लेंगे अगर वो ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हैं। मगर वो लोग जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज चीज माल से कुछ भी परचेज मत कीजिए, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। अगर आपने परचेज करना है गोटू पे जाके परचेज करें या दराज पे, मेरा दराज का एक्सपीरियंस 100% रहा है और ये Redmi Note 5 Pro जो है इसका एक्सपीरियंस भी मैंने गोटू पे करने की कोशिश किया मगर मेरा गोटू पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट दराज पे अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि चीज माल से आप कुछ भी परचेज मत कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और जितना ज्यादा हो सकता है फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई भी आपका दोस्त या कोई भी जानने वाला जो है वो इस स्कैम से बच सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।